हेलो। सो गाइस, फिर जैसा कि काफ़ी टाइम से बैटमैन की एक गेम नहीं आई है, लेकिन फिलहाल जो इवेंट चल रहा है डीसी फैंडोम, तो उसमें एक गेम अनाउंस हुई है बैटमैन की, और जो कि 2021 में लॉन्च होने वाली है, और साथ ही साथ उसका एक ट्रेलर भी इन्होंने रिलीज़ किया है गेम प्ले के साथ। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम वही देखने वाले हैं और फर्स्ट इम्प्रेशंस देखते हैं इस गेम के कि कैसी होने वाली है ये गेम। मैं भी फर्स्ट टाइम देखने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बैटमैन की गेम के लिए। तो चलिए भाई, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, स्टार्ट हो रहा है फाइनली। ऑल गेम प्ले फुटेज यू आर अबाउट टू सी वॉज कैप्चर्ड फ्रॉम अ प्री अल्फा गेम बिल्ड। सारी गेम सही कहती हैं ऑब्वियसली। ये क्या है? बर्फ जमी हुई है। ये हमारी बाइक, खतरनाक वाली दिखने में। वाह, बढ़िया यार, बाइक चलाने को मिलने वाली है हमें इस गेम में। नाइस, बाइक भी एकदम काफी खतरनाक है। वन ऑफ द बेस्ट बाइक दिखने में एटलीस्ट। ओह, आसमान से बिजलियां खड़क रही है भाई साहब लगातार। कितने सारे इफेक्ट्स भर भर के डाल रखे हैं यहाँ पे। ओह, ये मुझे तो लग रहा है स्टटरिंग हो रही है गेम में थोड़ी। इतने ज़्यादा इफेक्ट्स कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे इस गेम को ये? तैयार हो जाओ भाई 3080 खरीदने के लिए, इतना ज़्यादा इफेक्ट्स डाल रखे हैं इन्होंने गेम में। ओके, ये हमारी कैरेक्टर है, बैट गर्ल नाम है इसका। ये कौन बोलने में लगा हुआ है यार, इसे चुप हो जाना चाहिए ना, हमें एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय कर देना चाहिए, हमें एंजॉय करने देना चाहिए ना हमको इसको गेम प्ले। क्या पटर पटर लगा हुआ है मूर्ख इंसान। और साथ में कौन है ये? रॉबिन, यस रॉबिन है शायद। ओह, स्पाइडरमैन वाली एबिलिटी। ओके, Meanwhile, Batgirl has mastered some more familiar techniques. Oh, तोड़ दिया उसकी गर्दन। मारो बंदूक, ले छाती में लात। ओह, यो यो। ओह, एक और काउंटर। ये काउंटर किया ना इसने, आसमान से क्या बरस रहे हैं। ओ भाई, कितने इफेक्ट है, चमगादड़ कहाँ से आ गई है? ये क्या चीज़ है? बहुत जल्दी आ रही है पुलिस। ड्रॉप योर वेपन्स और वी विल फायर। मत चलाओ गोली, शहर तो तबाह कर ही दिया पूरा, मत चलाओ भाई। पुलिस में ऐसे भी, ऐसी गेम्स में पुलिस कुछ काम की नहीं होती, नाम की पुलिस होती है ऑब्वियसली। सीन काट दिया उन्होंने। ये क्या तूफान आ रहा है भाई, क्या बिजली कड़क रही है, चल क्या रहा है ये पूरी गेम में? If anyone asks, I meant to do that. एंट्री तो बड़ी खतरनाक हुई है। Tours were still going on when Freeze came through. Those poor people. They didn't stand a chance. Gotham Knights is built to let players approach each challenge with their preferred style and their preferred build. Stealth? छुपके जा रहा है, उसे पता ही नहीं है बंदे को। ला, अब पड़ेगा। गला तोड़ दिया उसका गला। ला। ओ, इसे देखो, लड़की शो ऑफ है पूरी। ये तो सीधा लात बजा रही है, वो बंदा चुपचाप मारा ये घुमा के लात। बेसिकली ये दिखा रहे थे कि यहाँ पे आप दो अप्रोच कर सकते हो, स्टेल्थ वाली भी और एकदम खुला चौड़ में रजनीकांत वाली अप्रोच भी आप ले सकते हो। ये
स्टटरिंग हो रही है मेरे को गेम में, थोड़ी दिख रही है गेम प्ले में भी। ओ ओ, उसने अपने टीममेट भी मार दिया। बहुत बढ़िया लड़के, बहुत बढ़िया। मर गया वो, ये बचाया। ये म्यूजिक म्यूजिक इतना ज़्यादा तेज क्यों है इस गेम में। ओ, इसे कहते हैं टीम मूव। नाइस। पर ये सारे मूव्स कभी भी काम नहीं आते जब आप बॉस फाइट कर रहे होते हो, ऐसे नकलियों पे ही आते हैं। और इस गेट के पीछे कौन है? बिग बॉस। नहीं, बिग बॉस नहीं है, कुछ नहीं है इस गेट के पीछे। मूवीज में कभी ऐसा नहीं हो पाता, जैसे जितना ज़्यादा कूल इन बैटमैन वाले कैरेक्टर्स को उसमें दिखाया जाता है एनिमेशन या फिर गेम्स में, इतने कूल वो मूवीज़ में कभी हो ही नहीं पाते। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। तूफान आ रहा काफ़ी तेज यहाँ पे। क्रिसमस, सेंटा क्लॉस है ऊपर यहाँ पे। ये सेंटा क्लॉस ये गिफ्ट लेने जा रही है अपना। ओ भाई साहब, बटन ऑफ करने के लिए बटन दे रखा है इन्होंने, दबा दे। इसकी आंखें वाइट क्यों हो रही थी? ऊपर से कोई आया। वॉर मशीन की एंट्री नहीं, ये है आइसमैन है, ये नहीं मिस्टर फ्रीज है। तुम में से जिसको नहीं पता भाई, मिस्टर फ्रीज है ये बैटमैन का एक नॉट सो फेमस विलन। ये दो से इकट्ठे लड़ रहा हूँ। रॉबिन कुछ कर भाई, ये हवा में उड़ गया। बट इन द काइंड्स ऑफ अटैक्स एंड डिफेंसेस दे ब्रिंग टू बेयर। ये क्या करने वाला है? दैट वाज जस्ट अ शॉर्ट पीक एट गॉथम नाइट्स। वी आर गोना हैव मोर टू शो यू इन द फ्यूचर। ओह माय गॉड, ओए अबे खत्म क्यों कर दिया गधों? ये क्या बात हुई भाई? ओके, तो फिलहाल गेम प्ले देख के तो मुझे गेम ठीक ठाक ही लग रही है, बस थोड़े इश्यूज मुझे लग रहे हैं कि गेम ऑप्टिमाइज नहीं है, और मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए जब तक गेम लॉन्च होगी, ऑप्टिमाइज़ कर लेनी चाहिए। थोड़े इफ़ेक्ट वगैरह का थोड़ा सीन है, कुछ ज़्यादा ही भर भर के इफ़ेक्ट डाल चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं गेम्स में हमेशा। ओवर आँखों में चुभती हैं ये चीज़ें छोटी छोटी, वहीं पर कौवे उड़ रहे हैं, वहीं पर धमाके हो रहे हैं, वहीं पर लड़ रहे हो, आपका जो वेपन है उसमें भी इन्होंने नियॉन लाइट लगा रखी है, तो ये ज़्यादा जो उभर उभर के लाइटिंग आती है थोड़े दिक्कत वाली चीज़ें होती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ओवर सैचुरेटेड। बाकी तो ठीक ही लग रही है गेम, देखते हैं भैया आगे गेम प्ले और आएंगे इस गेम के, और खेलने को हमें मिलेगी 2021 में ये गेम, तब तक कुछ कह नहीं सकते फ़िलहाल तो, और लेट्स सी क्या होता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, वीडियो को ख़त्म करते हैं अब, मिलते हैं आपसे अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, और मिलते हैं आपसे अगली बार। बाय बाय।